क्या वैल्यू है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग किस तरह से हो रही है, क्या ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, ये सारी जो बातें हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम वहां पे एक्टिव रहते हैं और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां पे इजीली दे सकते हैं। दोस्तों विश योर डेस्टिनेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी टूरिज्म कंपनी है जो आपको कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा घूमने का मौका दे सकती है। सपोज कीजिए अगर आप हिमाचल में आना चाहते हैं या हिमाचल से बाहर जाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को जरूर से चेक करें क्योंकि इनके पैकेजेस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप अगर इंटरनेशनली भी विजिट करना चाहते हैं, कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वहां पे जाके अपने लिए अच्छे पैकेजेस चूज कर सकते हैं। हम उनकी वेबसाइट का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां पे जाके इस सब को चेक कर सकते हो। दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पे गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हो। गुड्स अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, कोई भी सर्विस आप इंटरनेट के थ्रू लेना चाहते हो। क्रिप्टोग्राफी, दोस्तों क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से आपका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा सिक्योर रहता है। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। आपने मूवीज में देखा होगा या आप में से कुछ लाइव भी गए होंगे, अगर आपने कैसिनोज विजिट किए होंगे तो वहां पे आप जाके काउंटर पे जाके कुछ टोकन्स को खरीद लेते हो और उसकी हेल्प से आप आगे गेम खेलते हो। जब आप वहां पे गेम खेलने के बाद वापस काउंटर पे आते हो और जीते हुए और जितने आपने क्वाइंस जीते होंगे वहां पे आके उसको करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो। क्रिप्टो करेंसी भी कुछ कुछ इसी तरह से काम करती है। जब आप शुरू में ऑनलाइन जाते हो और आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हो तो आप पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए कुछ यूएस डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है और आपको कुछ बिटकॉइंस जैसे कि और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो सबसे पॉपुलर जो करेंसी है वो है बिटकॉइंस। आपके बिटकॉइंस आपके वॉलेट में आते हैं और आप उसकी हेल्प के साथ अपनी जितनी भी गुड्स एंड सर्विस है उनको खरीद सकते हैं। दोस्तों ये यूजर टू यूजर एक डायरेक्ट मेथड है पेमेंट करने का, ना तो इसमें किसी गवर्नमेंट का हाथ होता है ना ही किसी बैंक का कोई हाथ होता है, मतलब इन दोनों का कोई भी काम नहीं है इसमें। आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, यही है एक क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिरकार कितने टाइप्स की है। जब मैं coinmarket.com पे रिसर्च कर रहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो मुझे वहां पे मोर देन 6700 से ज्यादा मुझे क्रिप्टो करेंसीज नजर आई हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम में है वो है बिटकॉइंस। अगर बात की जाए टोटल मार्केट के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी की है वो है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। दोस्तों काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। जो ये अमाउंट आपको बता रहा हूं ये डाटा है फरवरी 2021 का। दोस्तों अगर मार्केट में बात की जाए कि सबसे हाईएस्ट प्राइस यानी कि सबसे हाईएस्ट मार्केट किसने गेन किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी में तो वो है बिटकॉइन ने, जिसकी अकेले की जो वैल्यू है इस टाइम है मार्केट में अकॉर्डिंग टू coinmarket.com के हिसाब से 969.9 बिलियन डॉलर्स के है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा ह्यूज अमाउंट है ये क्रिप्टो करेंसी। इस टाइम जो वैल्यू है इनकी ये काफी ऊपर जा चुकी है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है लोगों के बीच में। तो जो स्पोर्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि आने वाले टाइम में जो आपकी फिजिकल करेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जितना भी हम लेन देन करेंगे आपस में, जैसे मैं मार्केट में जाता हूं और आप लोग भी जाते हो, गूगल पे या भीम से आप पे करते होंगे तो वो क्या है, आप फिजिकली तो नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपके अकाउंट से जो है मनी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो बिटकॉइंस भी इसी तरह से मार्केट को पूरी तरह
से कवर कर लेंगे। कुछ सपोर्टर्स ये सोचते हैं कि ये काफी अच्छा और सिक्योर माध्यम है पेमेंट करने का, और ये बात है भी सच्ची दोस्तों कि जो बिटकॉइंस होते हैं काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं पेमेंट के मामले में। और जो तीसरी बात सबसे बड़ी बात उठ के आती है, अगर आप बिटकॉइंस के थ्रू कोई भी लोन लेना चाहते हो, सपोज कीजिए कि मैं विकास से बिटकॉइन के रूप में कोई भी चीज ले लेता हूं, तो मुझे विकास को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए जो बिटकॉइंस है या फिर क्रिप्टो करेंसी है वो इतने ज्यादा पॉपुलर आज यूजर्स के बीच में होते जा रहे हैं। दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या एक क्रिप्टो करेंसी अच्छा वे है इन्वेस्ट करने का, तो दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स देके समझाना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा माध्यम है इन्वेस्ट करने का या नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक रियल मनी नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो रियल मनी जनरेट नहीं करती है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देना चाहूंगा, जब कोई एक सेलर होता है वो जब भी फैक्ट्री से कोई भी मोबाइल उठाएगा तो वो उसको पर्टिकुलर मनी में उठाएगा। सपोज कीजिए कि एक मोबाइल की कीमत 100 रुपए है, तो वो क्या करेगा कि उस मोबाइल को प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 110 या 120 रुपए में बेचेगा। लेकिन बिटकॉइंस के मामले में या क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोज कीजिए अगर मैं विकास से कोई भी ग्राफिक कार्ड खरीदता हूं और इसने भी किसी और से उस ग्राफिक कार्ड को खरीदा है, तो अगर इसने इसको 10 बिटकॉइन दे के उस प्रोडक्ट को खरीदा होगा तो मैं भी इसको 10 बिटकॉइंस दे के खरीद सकता हूं। इससे ना तो विकास को कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों इसकी फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो दिसंबर 2017 में एक बिटकॉइन की जो कीमत थी वो थी अराउंड $20,000 के आसपास। उससे अगले साल जब हम 2018 में आए तो उस टाइम इसकी वैल्यू $3,200 के आसपास ही रहेगी। कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है दोस्तों। लेकिन जब हम आज इसका डाटा देखते हैं, आज हम क्रिप्टोकरेंसी की वैल्यू देख रहे हैं 2020 में जब दिसंबर में डाटा रिलीज हुआ था, तो मोर देन 1.6 ट्रिलियन थी दोस्तों इसकी क्रिप्टोकरेंसी की वैल्यू। और एक बिटकॉइन की वैल्यू अगर इंडियन रुपीज के हिसाब से अभी देखी जाए दोस्तों तो ये 34 लाख रुपए के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है एक बिटकॉइन में। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइंस में तो आप कर सकते हैं, ये आपका अपना रिस्क होगा दोस्तों। इसमें हमारी टीम कोई आपको फोर्स नहीं करेगी किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप पहले टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लें और उसी के बाद ही इस तरह के बिजनेस में अपने पैसे को लगाएं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी को आप खरीदोगे कैसे। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपको सिर्फ करना इतना सा है कि coinbase.com पे जाना है। ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जितनी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए। आप वहां पे एक वॉलेट को परचेज करोगे, वहां पे आप अपनी आईडी बनाओगे और पासवर्ड सेट करोगे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस में लाना चाहूंगा, जो भी आप आईडी बनाओगे और पासवर्ड सेट करोगे दोस्तों उसको हमेशा याद रखना। अगर आपका एक बार वो पासवर्ड या आईडी गुम हो गया तो आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा, सपोज कीजिए आपकी जितनी भी वैल्यूज होगी होगी उस क्रिप्टो करेंसी की, वो हमेशा के लिए आपसे खो जाएगी। अब बारी आती है कि आप किस तरह से खरीद सकते हो। सबसे पहले आपको वॉलेट में जाके वहां पे बिटकॉइंस को रुपीज, जो एक्चुअल रुपीज होते हैं, उनको देके खरीदना पड़ेगा। अब आप उन बिटकॉइंस को इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी पे। इसी तरह से ही आप अलग अलग करेंसीज को, क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हो। और क्वाइन बेस सबसे अच्छा मार्केटिंग बेस है जहां से आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, तो मैं आपको क्लियरली कहना चाहूंगा कि कुछ कंट्रीज में आपकी क्रिप्टो करेंसी लीगल है और कुछ कंट्रीज में ये इलीगल है। फॉर एग्जांपल यूएसए में लीगल है, और अगर दूसरी तरफ चाइना के बारे में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी चाइना में इलीगल है। अगर बात की जाए हमारे प्यारे भारत की, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ना तो कोई इस पे अभी तक लॉ बना है गवर्नमेंट के द्वारा, और जब 2020 में बैंक्स ने क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चंस उठाए थे और वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस इशू को लेके, तो वहां पे सिर्फ कोर्ट ने इतना कहा था कि इस पे कोई भी लॉ अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ना तो हम इसको लीगल घोषित कर सकते हैं ना ही हम इसको इलीगल घोषित कर सकते हैं।
दोस्तों आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग किस तरह से होती है? अगर आप एक बिलीनियर है तो आप इजीली क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, लेकिन हम जैसे यूजर्स का क्या? जो हम आप जैसे यूजर्स हैं वो बिटकॉइंस को किस तरह से खरीदेंगे? अब आती है बारी कंपनीज की। कंपनीज क्या करती है कि यूजर्स को एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे देती है जो काफी ज्यादा हार्ड होती है और उनको सॉल्व करना एक ह्यूमन ब्रेन के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, उसमें काफी सारे ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर लगा देंगे ताकि वो इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वहां से आपका एक बिटकॉइन जनरेट होगा जो आपको कंपनी ही देगी। इस तरह से आज बिटकॉइंस की माइनिंग की जा रही है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का मार्केट पे क्या असर हो रहा है, मैं आपको सीरियसली कहना चाहूंगा, इसका असर हम कंज्यूमर की लाइफ में बहुत ज्यादा हो रहा है। जब कोई एक पर्सन बल्क में काफी सारे प्रोसेसर्स ग्राफिक कार्ड्स उठाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उस चीज की कमी हो जाएगी। सपोज कीजिए अगर मैं कोई ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहूंगा और मुझे कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड कम पैसों में मिल रहा है तो मैं उसको नहीं खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में पहले से ही उठ चुका है। अब जो माइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन जितने भी उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वापस ई कॉमर्स साइट्स पे डाल देते हैं और उनको काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पे बेचते हैं, जिससे कि हम जैसे यूजर्स तक उन जो प्रोडक्ट्स के होते हैं उनको खरीदना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही माइनिंग हम लोगों की लाइफ को काफी गंदे तरीके से इफेक्ट कर रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की प्रॉफिट और लॉस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रॉफिट्स बताना चाहूंगा। दोस्तों इसमें जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। जो आपका वॉलेट अकाउंट होता है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है और कोई भी हैकर उसको क्रैक नहीं कर सकता है। तीसरी बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना पड़ता। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा रुपीज नहीं देने पड़ेंगे इसके लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी जो इन बिटकॉइंस की या और करेंसीज की होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, तो आपको डिजिटली पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मैंने आपको प्रॉफिट्स तो बता दिए, अब बारी आती है लॉस के बारे में। ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है अगर आपने एक बार अपनी जो आईडी है वो भूल गए तो उसको रिकवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, तो जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें। दूसरी बात ये आती है कि इस करेंसी में आपको कुछ भी रिवर्समेंट नहीं मिलता है। सपोज कीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा था और आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, अगर आप उस प्रोडक्ट को वापस करना चाहोगे तो आपको जो रिवर्समेंट है उस प्रोडक्ट की जो बिटकॉइंस के थ्रू आपने दी थी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा खुद को कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। दोस्तों अब मैं लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक वर्चुअल करेंसी है, ये एक्चुअल करेंसी नहीं है। अगर किसी करेंसी को मार्केट में टिकना है तो उसकी स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, और जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो हमने इंफॉर्मेशन दी है आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो आपको समझ में भी आई होगी और आप काफी ज्यादा सोच समझ के ही इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।